राम राम जी सारा, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज बनाऊंगी मैं स्कर्ट। यो येलो कलर का सेट उनका कपड़ा है, इसके ऊपर यह कुर्ती है, यह कुर्ती बनाऊंगी। और यो अस्तर लगेगा इसका। यो ढाई मीटर कपड़ा है, डबल फोल्ड में बिछा लिया। यो इसकी स्कर्ट की कटिंग करूंगी। स्कर्ट की लंबाई है 39 इंच, बेल्ट 36 इंच, इसके अनुसार करूंगी इसकी कटिंग। यो डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया, यह लंबाई है कपड़े की और यह चौड़ाई है। ये करूंगी इसकी मार्किंग। स्कर्ट तैयार रखनी है 39 इंच। 39 इंच में 2 इंच की बेल्ट लगेगी ऊपर, तो यू 2 इंच ऊपर काट दूंगी। ये 2 इंच ऊपर काट दिया, 3 इंच स्कर्ट ने नीचे मोड़ूंगी। यो 39 इंच पे निशान लगा दिया, 1 2 3, और यो 42 इंच पे निशान लगा दिया। यो 42 इंच लंबाई ले ली, 2.5 इंच नीचे तो मुड़जेगा और 1/2 इंच सिलाई में चला जाऊगा ऊपर। 2 इंच की बेल्ट लग जाएगी ऊपर, बेल्ट हटाया बादशाह यू एड नापूंगी तो 40 इंच बच गया। ये 40-40 पे निशान लगा दूंगी और यह पट्टी हटा दूंगी। लगा लिए दूर की दूर, या पट्टी हटा दूंगी, इसमें तब बेल्ट बना दूंगी। और ये इसके कलियां के निशान लगाऊंगी। ये ऊपर की साइड या बंद साइड है, ऊपर की साइड पे निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। ये खुला पाछे ये बंद है, 4 इंच हो जाएगी कली ऊपर तय। और 10 इंच नीचे घेरा का निशान लगाऊंगी। ये 10 इंच पे निशान लगा दिया और फिर 4 इंच बेल्ट की तरफ तय, 10 इंच पे और 4 इंच पे, यो 10 इंच पे और यो 4 इंच पे। ये लग गए एक साइड के निशान, ये लगाए हमने अपनी बेल्ट के हिसाब से। बेल्ट है तैयार 36 इंच। 36 इंच का ये कली होगी, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 कली होंगी। ये मैंने अपनी बेल्ट के हिसाब से 2.5 मीटर कपड़ा के निशान लगा लिए, आधा 1/2 इंच सिलाई में चले जाओगे। 4-4 इंच पर लगाए हैं कलिया के ऊपर बेल्ट की तरफ तय, आधा 1/2 इंच मार्जिन में चले जाओगा तो बच जाएंगे 3-3 इंच। ये 3-3 इंच की 13 कली होगी, 13 3 39 इंच बच जाएगा ऊपर बेल्ट की तरफ तय। 1-1 इंच साइड में मोड़ूंगी तो उसमें चला जाओगा तो 37 इंच हो जाएगा। 1 इंच लूज चाहिए, लडना डलेगा इसमें तो 37 इंच हो जाएगा। 36 इंच की बेल्ट तैयार चाहिए, उस हिसाब से हमने ये निशान लाए हैं। उस साइड 2 इंच पर लगाए हैं, इस साइड ये 10 इंच की नीचे तक घेरा है तो 5 इंच पर लगाऊंगी। ये 5 इंच पर खुला पाछा नीचे घेरा की तरफ तय, 10 इंच बच जाएगी। और फिर 4 इंच पर और न्यूए लगा ली जाऊंगी, 10 इंच पर और 4 इंच पर। या बंद है या खुला पाछा 10 इंच की एक कली हो जाएगी, ये 2-2 कली बनेंगी। ये 10 इंच पर लगा दिया, 4 इंच पर। इब इन ने आपस में मिला दूंगी, इस निशान ने इस निशान पर मिलाऊंगी या फट्टी रखूंगी और ये निशान आपस में मिला दूंगी। इस निशान पर तय, इस निशान पर मिलाऊंगी, ये सारे निशान न्यूए मिला दूंगी। ये नू कली काटना में कपड़ा भी वेस्ट को नहीं होता, सिर्फ यो यो कोना बचा थोड़ा हा। सारा यूज हो जाए कपड़ा। ये भी नहीं पता है, कटिंग कर दूंगी सारी, आप पता है ये कली काट दूंगी। ये कलिया की कटिंग कर ली, ये भी न रखूंगी कट्ठी करके ना, और फिर बेल्ट की कटिंग और कर दू। ये जो कपड़ा उतरा था नीचे था कलिया काटी थी उसका, इसमें तो बेल्ट बनाऊंगी। 36 इंच की बेल्ट तैयार है और 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी मॉडल खातर। 38 इंच पर निशान लगा दिया, जोड़ लाना पड़ेगा इसका। और यह सिंगल में ली है, डबल में या इतनी हो जाएगी। या डबल में 19 इंच पर होगी, सिंगल में 38 इंच पर। 1-1 इंच मॉडल का काम आओगी, इस पर तो कटिंग कर दूंगी। यह होगी बेल्ट, इसका एडा जोड़ लाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कपड़ा है। यो 4.5-5 इंच होता तो इसमें काम चल जाए, जोड़ को लाना पड़ेगा। ये भी इस पर तो कटिंग कर दू। यह होगी बेल्ट, ये रह गया अस्तर की कटिंग करनी। अस्तर की और कटिंग कर दू। ये अस्तर बिछा लिया डबल फोल्ड में, इसकी भी कली काटूंगी। यू एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया, उस तक 2 इंच ऊपर रखा है मेन फैब्रिक तक। यो रखा मैंने 37 इंच रखा है यो, क्योंकि यो ऊपर आवेगा थोड़ा ऊंचा ही होगा उस तक। और यो कलिया के निशान लगा लिए बेल्ट का हिसाब से, 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 कली होंगी ऊपर तक। यार तो लगाई है 17 इंच पर निशान, और ऊपर बेल्ट की तरफ से लगाए हैं 6.5 इंच पर। थोड़ा थोड़ा मार्जिन में चला जाओगा तो पूरी बेल्ट के हिसाब से हो गई है। ये भी नहीं पता है, कटिंग कर दूंगी। थोड़ी चुन्नट आ जाएगी, कोई दिक्कत को नहीं इनमें, नीचाड़ा कपड़ा मस्तर आड़ में। इसकी हो रही है कलिया में कटिंग कर दूंगी।
ये कली काट ली, सात कली कटी है, दो दो है और एक या है। इन आपस में जोड़ देंगे, पहले इन दो दो जोड़ देंगे, फिर एक दूसरा का ये खोल के ना, और फिर इन दो जोड़ देंगे, कटिंग होगी कम्प्लीट। ये कर लो इसकी स्टिचिंग। यो अस्तर है, यो सेंटू नाला कपड़ा है, इसकी 13 कली है, इसकी 2, 2, 4, 2, 6, 7 कली है। ये देखो इतना घेर बन जाएगा इसका। ये मेन फैब्रिक ना तो मुद्दा रखूंगी, निचली साइड सीधा है, ऊपरली साइड उल्टा, और इसने ऊपरली साइड सीधा रखूंगी, निचली साइड उल्टा, और इसने ये जोड़ दूंगी। ये बेल्ट कहानी था, ये एकदम पूरा पूरा आया है सर, दोनों अस्तर आला भी और यो निचाला भी। ये इसका सिलाई लगा दूंगी और बेल्ट बना लूंगी। अंदर की साइड दोनों उल्टे हैं और बाहर की साइड दोनों सीधे। इसका ये याद है, बेल्ट की तरफ सिलाई लगा लूंगी। ये देखो बराबर है, ये निचाड़ा तो 2.5-3 इंच नीचा है, ऊपर आला ऊंचा है, और मुड़ के ना यू इतना यू मुड़ जाएगा, इतना यू मुड़ जाएगा, इस तरह 2.5-3 इंच ऊंचाई रहेगा अस्तर आला कपड़ा। यो अस्तर जोड़ लिया ऊपर की तरफ, और ये इसका बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट का यू जोड़ ला लिया, बीच में थोड़ा कपड़ा बच गया था, ये 2.5 इंच का लिया है, आधा आधा इंच सिलाई में चलिया जाऊंगा, 2 इंच की बेल्ट तैयार बच जाएगी। ये लगाऊंगी इसका बेल्ट, इसने बेल्ट ने सीधी रखूंगी नीचे, और इसने नीचे की तरफ तो उल्टा होगा और ऊपर की तरफ तो सीधा, सीधा पासा मोड़ूंगी बेल्ट, और इसने अटैच कर दूंगी इसका। या लगा ली बेल्ट, या इस साइड मुड़ेगी, सीधी साइड आ जाएगी, उल्टी साइड इस साइड होगी, और ये इसका या साइड वाली सिलाई लगा दो। मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी, नाला कौन डाल दिया, आप चाहो तो नाला भी डाल सको। मैंने थोड़ी सी ये लूज ले ली थी बेल्ट, 36 इंच का जमा से ही आ जाएगी, ये 40 इंच पे होगी, 40 इंच होगी, थोड़ी कली कलिया में थोड़ा कपड़ा दबिया खुल के ना, 40 इंच हो गया, 4 इंच की लूजिंग होगी, तो 36 इंच की बेल्ट का सही आओगी। नाला डालेंगे तो नाला में भी सही आओगा, नाला में थोड़ी चुन्नट सी पड़ जाएगी। ये पहले या सिलाई लगा दो, इसने फोल्ड करूंगी, पहले लगाऊंगी आप मेन फैब्रिक का और बाद में इस अस्तर आला का। ये अस्तर आला कपड़ा एक साइड काटूंगी, पिछला भी और यू अगला भी, ऊपर की साइड करके ना ऐडत है सिलाई लगा दो दूर नीचे तक, जड़त है बेल्ट अटैच करी थी, ऐडत है शुरू करूंगी सिलाई लगानी। यह लगा दू सिलाई, ये एक सार कर ली, ये अस्तर आला कपड़ा ऊपर की तरफ कर लिया, और जो बेल्ट लगाई थी वो भी, और इसका ही सिलाई लगा दी, ऐडत स्टार्ट करूंगी। और इसमें यू देख लेना चाहिए, ये मिला है कि ना, एक पल्ला बद्दा हो नहीं तो एक खींच लेना चाहिए। यो पल्ला एक थोड़ा हल्का सा बद्दा है, ऊपर वाला बद्दा है, नीचे वाला छोटा रहा, इसने थोड़ा सा खींच लूंगी, फिर एक सार हो जाएगा, नहीं तो ये कलिया वाला बद्दे बिना रहोगा कोली पल्ला। और ये बेड़ा बेल्ट पता है लगानी शुरू करूंगी सिलाई, और जो ये पल्ले एक साइड काटे थे अस्तर वाले, इन पर भी सिलाई लगा दूंगी। अस्तर वाला कपड़ा ले लिया, नीचे वाली साइड का भी और ऊपर वाली का भी, और ये मेल भी, इस तरह 5 इंच पर लगाऊंगी सिलाई, ये तिरछी तिरछी लगाऊंगी, इसने तिरछा तिरछा काट दूंगी। ये भी इस अस्तर वाले पर सिलाई लगाऊंगी, ये नीचे ना काट दूंगी, मेन फैब्रिक ने तिरछा तिरछा नू साइड में काट दूंगी, और इसका सिलाई लगा दूंगी। ये देखो ये नीचे काट दिया और इसका सिलाई लगा दी, इसका भी न्यूए लगा दूंगी। ये ला दी सिलाई, और ये इसमें इलास्टिक डालूंगी। ये बेल्ट का जो बेल्ट लगा रखी है ऊपर तक ही सिलाई लगा दी थी, ऐड तो कौन लगानी, ऐड तो लगानी है, ये ध्यान रखियो, या मैंने खोल के ना अटकन करनी पड़ेगी, और इसका सीधी साइड सिलाई लगाऊंगी। ये बेल्ट वाला कपड़ा खोल लिया, ये भी इसने ये यूं मोड़ूंगी और सीधी साइड सिलाई लगा, जिस तरफ तक शकल सीधी है, क्योंकि यूं मुड़ेगा नहीं, उस साइड सीधा होगा। ये देखो ये बेल्ट अटैच कर दी, ये भी इसमें इलास्टिक डालूंगी मैं, ये पहले मैंने उरली साइड कर दी थी, इसका गेला ये उधेड़ के नाड़ तक ये सीधी साइड सिलाई लगाई है, जो थोड़ा शकल्ट सीधी है। ये भी आ उरली साइड तो उल्टी है, और सीधी करूंगी शकल्ट, ये सीधी कर ली, ये बेल्ट तो यूं मोड़ूंगी और इस पर सिलाई लगा दूंगी। इलास्टिक बाद में डालना चाहो तो पहले सिलाई लगा ले, और साथ में ही डालना चाहो तो गला इलास्टिक का, मैं साथ में ही डालूंगी इलास्टिक ने। इलास्टिक ले लिया, ये भी इसने बीच में तो ज्वाइंट करूंगी। यो इलास्टिक ज्वाइंट कर लिया बीच में तय,
अपनी कमर के हिसाब से काट लेना चाहिए। जितनी 30 कमर है तो 4 इंच कम कर लेना चाहिए, 32 है तो 28 और 30 है तो 26 इंच काट लेना चाहिए। ये डबल में ले लिया मैंने और भी इसने स्कर्ट में डालूंगी, यूं करूंगी सीधी साइड मोड़ूंगी मैं इसने, इसमें यूं डालूंगी इलास्टिक ने और ये ऊपर तक मोड़ दूंगी। इस ज्वाइंट पर स्टार्ट करूंगी, ये रखूंगी हेड, जो ये जोड़ लाया था इसको ऊपर मोड़ूंगी। 2 इंच का बच जाएगा, यू 2 इंच की बेल्ट लगाऊंगी, यो इस ज्वाइंट पर रख लिया और इस पर भी सिलाई लगा दूंगी। और इलास्टिक ऊपर नीचे डालना चाहिए, इलास्टिक का सारा सारा सिलाई लगानी है और इसका चारों तरफ नुए सिलाई लगा दूंगी। इलास्टिक डाल लिया स्कर्ट में और मैंने यू ऊपर तक 20 इंच लिया है, ये 20 इंच है इसकी चौड़ाई और 36 इंच की कमर खतर है, 4 इंच की लूजिंग में सही रहेगा। और ये नीचे तो और मोड़ दूँ, ये 3-3 इंच के निशान लगा दिए और इस पर ये भी इसने फोल्ड कर दूंगी नीचे घेरा। अस्तर आला ऊपर आला कपड़ा तय 2-3 इंच ऊंचा होना चाहिए, यो इतना हो जाएगा, ये 3 इंच ऊंचा हो जाएगा इस तरह। इनका और सिलाई लगा लूँ। ये नीचे तक घेरा भी मोड़ दिया और स्कर्ट होगी तैयार। देखो इतना ऊंचा अस्तर आला जितना यू मोड़ा है, ये देखो कितनी सुंदर बनी है कलीदार स्कर्ट। और इस स्कर्ट के ऊपर यह कुर्ती बनाई है, कितनी अच्छी लग गई है। और इस कुर्ती का यह लटकन लगाए हैं।